ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम गहलोत की तारीफ की। राहुल ने कहा कि गहलोत सभी कार्यकर्ताओं और जनता की सहमति से सरकार चलाते हैं, एक आम राय बनाने पर भी कोई निर्णय लेते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ों को सम्मान देते हुए अलग से ओबीसी विभाग को बनाया है, यह उनकी गरीबों और दलितों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। भाजपा ने हमेशा से ही पिछड़ों और अति पिछड़ों का केवल शोषण किया है। गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण किया है और खालिस्तान नहीं बनने देने के लिए अपनी जान तक दे दी, लेकिन उन पर कभी भी राजनीति नहीं की। साथ में राजीव गांधी भी देश के लिए बलिदान हो गए। इनके लिए अलग से ओबीसी विभाग है वो बनाया गया है। गरीबों दलितों के लिए राहुल ने अपनी प्रति संवेदना है वो दर्शाई है। साथ में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के राज में दलितों और पीड़ितों का, जो गरीब लोग हैं, उनका केवल शोषण हुआ है। राहुल गांधी ने पिछड़ों का तहे दिल से सम्मान किया है, इनके लिए अलग से ओबीसी विभाग को बनाया है जिसमें गरीबों दलितों के प्रति राहुल ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। पैंतीस हजार करोड़ रुपए एक मनरेगा का पैसा, साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने नीरव मोदी को हवाले कर दिया, मगर जो हमारे करोड़ों युवा हैं, ओबीसी वर्ग के युवा, उनको एक रुपया तक नहीं दे सकते हैं। राफेल मामले में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिया गया, हवाई जहाज को हिंदुस्तान में बनना था, अलग अलग यूनिट्स लगते, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, मगर ना अनिल अंबानी को फायदा पहुंचा।